बट अभी एक चीज करनी है मेरे को भाई, तो उसकी वजह से बैलेंस थोड़ा सा ऐसा बिगड़ रहा है, तो भाई रिस्क नहीं लेना कि भाई ये हल्की बाइक है, साड़ी ऐसा हिले। हाँ जी, सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस टाइम पता कितना हो रहा आज? मैं डेली बताता था ना, 12:30 हो रहे, 11:30 हो रहे, 1:30 बज रहे, 2 बज रहे। जो देखो देख लिया भाई, 7:45 भी ना बजे यहाँ। ठीक है, मम्मी अभी अभी उठा कर गई है। और भाई मैंने एक दिन व्लॉग नहीं करा था क्योंकि जब बैग पैक कर रहे थे ना, तो उस दिन के बाद मैं एक दिन व्लॉग नहीं करा था क्योंकि भाई मुझे यहाँ कानपुर जाना था कुछ सामान वगैरह लेने, तो दैट्स वाई मैंने व्लॉग नहीं करा था। क्योंकि यार फिर समझ रहा हो ना, थोड़ा सा कुछ पर्सनल चीज़ें लेके आनी थी घर परिवार से रिलेटेड, तो वो मैंने व्लॉग नहीं करा था क्योंकि भाई वो रात वाला जो रिकॉर्ड करा था वही मैंने नेक्स्ट डे डाल दिया था, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब बारी आती है भाई, मम्मी कह रही है कि मौसम ठीक है, मतलब कि ना तो बारिश का है ना तो कुछ है, धूप निकल रही है अपना, धीरे धीरे निकलने वाली है थोड़ी सी। तो मम्मी कह रही है अपना नहा धो के देख लिया, अगर जो जाना है तो तुझे चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी भाई नहाते धोते हैं और रेडी होते हैं। ठीक है, अभी तो बैग पैक भी नहीं रखे, अभी उठते हैं और नहाते धोते हैं। चलो जी, फ़ोन लगा दो चार्जिंग पर क्योंकि लेके जाने ना। हाँ जी गाइस, तो भाई टाइम देख लो, 7:30, नहा धो के भाई अपना ऑल सेट, विंडस्टर में पहन लिया, नीचे लोअर डाल रखा है अभी तो, क्योंकि धूप निकल रही है तो रास्ते में पितना उछल जाए, इसी चक्कर में मैंने ज़्यादा कपड़े डाले नहीं। फ़ोन लगा रखा भाई चार्जिंग पे, ये भी और दूसरा भी, और भाई दोनों बैग लिया आया मैं दोबारा से, कर लिए सेट, खाना भी रख लिया। खाना मैं यहीं से लेकर जा रहा हूँ क्योंकि भाई अगर जो रास्ते का खाता हूँ ना तो भाई मेरे को दिक्कत सी होती है, तो मैंने मम्मी से यहीं पूरी और सब्जी बनवा ली जो कि मैंने रख ली। और ये देखो भाई बेल्ट भी लगा ली क्योंकि भाई लंबा रास्ता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से ना अभी भाई खाना खाते हैं और बाइक बाइक साफ करके बैग बांध के, पापा तो चले गए भाई, पापा तो 6 बजे ही निकल गए, पापा ने तो बैग बांधना था, पापा को ऊपर कोई बात ना, मैं बांध लूँगा फिर अपना निकलते हैं ना। लो तो भाई मौसम हो रहा है एकदम सेट, मतलब कि धूप निकल गई है, देख लो धूप, अभी चलते हैं भाई। हाँ जी गाइस, भाई बैग वैग तो बांध लिया, दिखाऊं? ये देखो भाई ये बांध दिया, ठीक है ऐसा बांध दिया जो कमर की भी सपोर्ट रहेगी, भाई कहीं नहीं जाने का अभी, कहीं पे भी। और ये वाला बांध दिया, इसमें भाई खाना पीना भी रख लिया, तो इस वजह से साइड में बांधा। ठीक, हाँ जी गाइस, तो भाई निकलने का आ चुका टाइम, मतलब बंडाना वगैरह भी डाल लिया, हेलमेट डाल के बस अभी भी निकल लेंगे, ग्लव्स वगैरह डाल के, वो अभी लास्ट शॉट ले लूँगा। अभी मैं एक बार पापा को फ़ोन करने की सोच रहा हूँ, और देखना ऑन रिकॉर्ड रहेगा भाई, ऑन रिकॉर्ड क्या कहते हैं पापा क्या नहीं कहते। आवाज़ आ रही? हेलो। हाँ पापा, हाँ पापा बोल। निकल रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ ठीक है, तो आराम से निकले भाई, कुछ हाँ ठीक है, बैग वैग तो मैंने बांध लिए। हाँ ठीक है, ठीक और बता, और तो कुछ पैसे नहीं। पैसे ले लिए थोड़े बहुत? हाँ ले लिए, क्या ले लिए? ले लिए 2-3 हज़ार रुपये। हाँ ठीक है, तेरे पास है ना और? हाँ और तो है मेरे पे। ठीक ठीक है, और कुछ बता, और तो कुछ ना। ठीक है चलो मैं निकल रहा हूँ, है ना? फोन किया, फोन करिए, आराम से जी। हाँ ठीक है ठीक है, खाना ले लिया? खाना ले लिया। ठीक ठीक है, बाय। देखा भाई, पापा को इस चीज़ की फिक्र है, पैसे ले लिए रास्ते के लिए, वो खाना खा लिया, यो ले लिया, आराम से जाइए भाई। तो अभी निकलते हैं, ठीक है पापा, देखोगे ब्लॉग तो निकल रहा हूँ, सही सलामत पहुँच जाऊँ, बेफिक्र रहो, तुम्हारा लौंडा बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है तो अभी चलते हैं भाई। तो भाई आ चुका टाइम निकलने का, ठीक है लाओ दस्ताने, दो गेट खोल दो, बाहर मिलते हैं। चलो जी पहन लो हेलमेट, और एक बार कॉल स्टार्ट कर देते हैं बाइक को। ठीक है तो गाइस हो चुका रेडी, ग्लव्स वगैरह भी डाल के, ठीक है बाइक को स्टार्ट कर दी, अब निकलते हैं सीधा हाईवे में मिलेगा। ठीक है तो गाइस मैं आ चुका था भाई, 17 किलोमीटर आगे आ चुका, लेकिन अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ की दिक्कत हो रही है भाई, शीशे मैंने हटा दिए, नो डाउट अच्छी तो लग रही है भाई, लेकिन भाई मैंने पीछे सामान बांध रखा ना, तो बार बार निगाहें ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो उसकी वजह से बैलेंस थोड़ा सा ऐसा बिगड़ रहा है, तो भाई रिस्क नहीं लेना, तो इसी चक्कर में घर वापस जा रहा हूँ। 17 किलोमीटर आ चुका था, 17 किलोमीटर बाद वापस जा रहा हूँ भाई, शीशे लगाऊंगा क्योंकि भाई इससे ये होगा कितना हिस्सा दिखता रहेगा, क्या नाम है भाई, बैग है पीछे नहीं है, तो भाई ये ना करना पड़ेगा, बाकी वहाँ जाके उतार लूँगा। ठीक है खैर आना भी तो वापस ही है यार, लगा ही लेता हूँ। ठीक है जब लोकल में चलाऊँगा तब हटा दूँगा भाई, सेफ्टी पहले है। देखो मुझे अच्छी लगती है, नो डाउट बिना उसके अच्छी लगती है बाइक, बिना शीशे के, लेकिन भाई मैं वापस जा रहा हूँ घर लगाऊँगा, क्योंकि भाई समझ रहा ना, रिस्क नहीं लेना भाई लाइफ के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे भाई ध्यान ऐसे ऐसे जा रहा है ना बार बार, तो उसकी वजह से बैलेंस ऐसे ऐसे होता है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। मम्मी पापा ने भाई खास कर बोला है कि रिस्क मत लियो, तो वापस चलते हैं। तो भाई आ चुका घर पर वापस,
ठीक है भाई, शीशे लगाऊंगा यार, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि भाई ये हल्की बाइक है, साड़ी ऐसा हिले है, ऐसा हिला है, तो भाई ये रहे अपने शीशे, अब इन्हें लगाता हूँ दोनों को पहले, फिर निकलते हैं। और अब ज़्यादा रास्ते में तो दिखाऊंगा नहीं कुछ भाई, जो जो इंसिडेंट होते रहेंगे वो मैं बताता रहूँगा। जैसे अब ये हुआ तो मैंने बता दिया, सेफ्टी पहले है भाई, ठीक चलो अभी ना लगाता हूँ, भारी है मम्मी, मैंने मम्मी को भारी छोड़ दिया, मैंने कहा मम्मी ना पकड़ियो, मैं अभी ना लगाऊँ पहले। तो भाई ये लगा दिया शीशे, देख लो अब जाए तेरी ऐसी तैसी, जो लग गया भाई शीशे, इधर भी लग गया, अब बार बार पीछे नहीं जाने का ध्यान, अब बैग दिखता रहेगा, पैर छुराते रहे, जीते रहो जीते रहो, बने रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सुहागन। और इसका तो मांग मांग थी के पीछे सब लोग, पर ये तो कुत्ता या कुतिया, सदा तेरी बहू बनी रहो, जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बना, ब्याह कर, बालक नन्हे कर, अपना घर बसा, अपना घर बसा जल्दी। चलो भाई अपना लेके चल रहे टमटम। हाँ जी गाइज, तो गाइज आ चुका हूँ भाई, कितना किलोमीटर ना आ गया भाई, 90 किलोमीटर, मतलब कि 80 किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर तो इधर ही डोल रहा था घर से घर तक, ही हेलमेट उतारा नहीं, और भाई बैग बैग एकदम सेट, दस्ताने उतार दिए, मतलब कि ग्लव्स उतार दिए, और पीछे वाला बैग भी हो रहा ऑल सेट। अब भाई मैं एक चीज़ में कन्फ्यूज हूँ, ये दो हाईवे है ना भाई, ये वाला ये आगरा वाला है, मतलब आगरा खोजते हुए सीधा निकल जाऊँगा, अब मैं कन्फ्यूज हूँ इधर से जाऊँ या इटावा खोजता हुआ जाऊँ, क्यों अगर जो इटावा से गया तो पैसे बचेंगे मेरे टोल ना लगने का, इधर से जाऊँगा साला टोल लग जाएगा साला 200-300 रुपये का, क्योंकि बाइक का भी टोल ले रहे हैं पूरे, हराम नहीं पूरे भाई पूरे, अभी देखते हैं भाई, एक बार पहले ऑनलाइन चेक कर लूँ कि ये रास्ता कहाँ से सही पड़ेगा ना। जी गाइज, तो गाइज भाई ये देख लो हाईवे, कितना क्लीन हाईवे है, ठीक है हाईवे नहीं कह सकते, कह नहीं कह सकते है ही नहीं, ये है भाई एक्सप्रेसवे, ठीक है ये देखो भाई, ले तो भैया कैड़ी मौज उठा दी भाई, लो तो यो देख लो अपनी धनो कैसी लग रही है, आए हाय 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 मौज ही आए हाय। और तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ भाई, ये देखो 100 किलोमीटर प्लस हो गए बाइक के, ये लो 108, ठीक है। और भाई मैंने हेलमेट वेलमेट ना उतारा का, देख लो मैं कैसा सो रहा, तो भाई मैंने हेलमेट वगैरह कुछ नहीं उतारा क्योंकि भाई मन ही नहीं कर रहा यार उतारने का, बस भाई बाइक देख के भाई प्यार हो रहा भाई, बहुत ज़्यादा सेक्सी चल रही है, बस ये है एक चीज़ की दिक्कत है भाई, ये इसकी सीट थोड़ी छोटी होती है ना, तो जो पीछे का ये मामला ये वाला थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा सा इधर उधर को डिसबैलेंस सा है, मतलब पूरा नहीं आता, पल्सर में अपना कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। तो अभी भाई चलते हैं यहाँ से, अब इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगाना है मुझे बाइक में, क्योंकि हाईवे है तो क्रूज़ कंट्रोल लगेगा, मेरी बाइक में भाई क्रूज़ कंट्रोल है ये रहा, ये लगा दूंगा इसमें साइड में, फिर चलेगी क्रूज़ कंट्रोल लगा के, ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई अपना, तो भाई लगा लिया मैंने अपनी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल, ये रहा भाई। हाँ जी गाइस, भाई अब रुका हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब हेलमेट वेलमेट उतार के, बट अभी एक चीज़ करनी है मेरे को भाई, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं ना, तो जैसे हल्की सी भी हवा हेलमेट में वो घुस रही है ना, जैसे सपोज़ मैं भाई मुंह पे हवा लेने के लिए अगर जो कर रहा हूँ, तो भाई बाल सारे आँखों पे आ रहे हैं, तो भाई अभी बंडाना है, एक और डालना है और फिर ये डालना है, फिर हेलमेट पहन के फिर अभी भी निकलते हैं, ठीक है। अभी खाना पीना भी नहीं खाया भाई, टाइम का भी पता नहीं कितना हो रहा है, अभी खाना भी ना खाऊंगा तब भाई व्लॉग करेंगे, ठीक है अभी चलते हैं भाई, बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे ना। हाँ जी गाइज, तो गाइज हो चुके हैं भाई 300 किलोमीटर चला चुका, अभी भाई जो घर से खाना वाना लाया था ना वो खाऊंगा भाई, बाल बाल देख लो ऐसे करके चला रहा हूँ ना, तो भाई बाल एक भी आंखों पे नहीं आ रहा। अभी यार एक पुल सा था उसके नीचे रुका हूँ, ये खड़ी भाई अपनी रानी, मैंने साइड में इस वजह से लगा दी, क्यों क्योंकि थोड़ा सा ना शांति से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भाई ये भी चल रही है 60-80 चलती आ रही है, ठीक है भाई, इंजन भी गर्म हो रहा होगा यार बहुत ज़्यादा, फोटो खींच लेता हूँ भाई इसकी रानी की एक दो, भाई ये देख लो ले भाई कैडी ट्रिप, जो भाई कैडी ट्रिप चल रही है। तो भाई निकाल लिया खाना, ठीक है अब खाना भाई बैठ के खा लेते हैं, यहीं पे बैठ के खा लेंगे, ये रही अपनी डाइनिंग टेबल, उल्टा बैठ जाऊंगा यहाँ बैठ के अपना खा लेते हैं, ठीक है। आलू है, आलू पूरी है, मतलब आलू पूरी खाते हैं ना। तो भाई मैं बैठ चुका भाई गाइस, ऐसे देख लो ऐसे बैठा हूँ उल्टा, देखिए और मैं हूँ इस फ्लाई ओवर पर, जैसे ट्रक जा रहा ना भाई, ये देखो ये जा रहा है पूरी बाइक घूमिए भाई, ऑटोमेटिक ऐसे इनकी ऐसे, क्योंकि फ्लाई ओवर का घूमना तो नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्लाई ओवर, तो अभी भाई चलो खाना खा लेते हैं पहले।